हाँ बताइए क्या दिक्कत है। सर मेरा एक भाई है, वो सूरत गए थे कमाने के लिए और 6 महीने से फोन आ रहा था उनका, और जून तक फोन किए वो पैसा की कौड़ी दे रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और इसके बाद अचानक क्या हो गया, धीरे धीरे फोन उनका बंद हो गया। फोन लगाते गए, क्या बताते हैं, और हम ये सोचे कि आज ना चलिए कल रहेगा फोन, और उनका फोन ही नहीं लग रहा था। जब 1-2 महीना हो गया रोकने के सब हो गया, इसके बाद हम फिर ट्राई किए फोन का, ऐसे नहीं दिन भर में 2-3 बार हम लोग लगाते थे। माने फोन लग नहीं रहा है, फोन बंद बता रहा है, उनका कुछ आता पता नहीं चल रहा। क्या नाम था उनका? मोहित कुमार। मोहित कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? देवगांव बाजार। देवगांव बाजार के आजमगढ़ जिला है हमारा, और मेरा भाई है। आपसे उम्मीद करता हूँ, अगर कहीं भी दिखे तो आप हमसे, हमारा नंबर भी वहाँ पे लिखा गया है, जल्द से जल्द मिलाने का प्रयास करें सर। बहुत हाथ जोड़ के कहते हैं, विनती करते हैं अपने भाई के लिए, हमारी परिवार लोग बहुत परेशानी हो चुके हैं, हमारे भाई के बिना चैन बहन को कुछ भी नहीं आ रहा है, रात दिन खाना पीना हम लोग पूरी छूट जा रहा है। कहाँ रहते थे? गुजरात में? गुजरात सूरत में। सूरत सर राज्य है और जिला सूरत है, और सूरत एक सूरत से 1 किलोमीटर है कासवाड़ी चावराछा स्टेशन में, राछा में और अटेल नगर में, और इसी जगह सब लोग हम लोग रहते थे, इसी जगह कहीं ना कहीं होंगे चाहे इससे। तो आप भी वहीं रहते थे पहले? हाँ हम भी रहते थे, अब 2 साल से हम घर पे ही हैं, अब नहीं जाते हैं, वो अकेले रहते हैं वो जाते हैं। अच्छा गांव का कोई वहाँ नहीं है बता रहे हैं? गांव के हमारे जीजा जी रहते हैं और सद्दाम जी रहते हैं, सुनील जी भी रहते हैं, सैलून का दुकान चलाते हैं, और हमारा जीजा हमारे जीजा जी इंबोटरी लाइन में काम करते हैं, और हमारे भाई भी इंबोटरी लाइन में काम करते हैं। और अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया, जुलाई से उनका फोन आना जाना बंद भी हो गया, और कुछ हम लोग बहुत परेशान हैं। जीजा अभी तक वहाँ गए नहीं है कि जाके पूछे किसी से? गए हुए, उनको 2-1.5 महीना हो गया है, और वो भी बहुत लोग से आदमी से मिले जुले थे, कुछ पता नहीं चल रहा है, साला कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है हमारे साले जी, कहाँ पे नहीं है, कोई प्रयास में लगे हैं उसमें कोई सबूत नहीं मिला। तो वहाँ तहरीर उहरीर दिए थाने होने में? सर उनसे बोले तो जब हम यहाँ पे हैं तो कैसे जाएं, हम नहीं, आपके जीजा जी बता रहे हैं वहीं हैं, तो नहीं दिए हुए हैं? नहीं अभी नहीं दिए हैं। हम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सूरत में जाएंगे तो थाने में एप्लीकेशन डालेंगे, जो है वो जो होगा हमसे हमारे भाई का खोजने का प्रयास करेंगे, शायद जितना भी पैसा खर्चा लगे, अगर कोई भी आदमी बता दे ये लड़का हमारे पास है अगल बगल में, तो हम इनाम देने के लिए 5,000 रुपये देने के लिए और तैयार भी। मोबाइल नंबर वा जरा सा एक बार बोल दीजिए अपना। मेरा मोबाइल नंबर 9317851552 मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम है रोहित कुमार, हम मेरे भाई का मोहित कुमार हैं, और मेरे पिताजी माताजी हम लोग साथ में रहते हैं। माने कहीं पता चले इस नंबर पे लोग कांटेक्ट करें आपसे तो पहुंच जाएंगे? हाँ इस नंबर पे आपको अगर आपको मेरा भाई तो इस नंबर पे कॉल करके हमको जल्द से जल्द बताइए, और अपना 5,000 रुपये का हम इनाम भी रखे हैं, हमारे 5,000 रुपये ले जाइए, हमें कोई पैसे से कितना पैसा लेगा हम उतना खर्च करके करेंगे, पैसे की हमें कोई परवाह नहीं। नहीं पैसे वैसे की नहीं, आपके भाई मिल जाए सबसे अच्छी चीज यही है, पैसा वैसा तो भाई मिल जाए उससे बढ़िया, हम पैसे से बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, ओके सर। आप अपने भाई से कुछ कहना चाहेंगे कि वो जहाँ भी हो कांटेक्ट करें? हम उनसे बात करना चाहते हैं कि माताजी पिताजी सभी लोग स्वीकार, सिर्फ अपनी खैरियत की सूचना दे देंगे, हम फला जगह है, कोई मुसीबत में है तो वो भी बताइए, हम आते हैं तुरंत आपको उसके लिए
जो भी होगा प्रयास करेंगे, चाहे मुसीबत में हो चाहे लगे, हम इतना पैसा होगा उतना लगाएंगे। एक बार कॉल कर दीजिए कि हम खैरियत से हैं, हम खैरियत से हैं, बढ़िया से हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ को शांति मिल जाएगा, भाई को भी शांति मिल जाएगा, फैमिली को भी शांति मिल जाएगी, घर वाले परेशान है, बाद आए चाहे साल भर बाद, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे मोहित भाई कहीं भी हो कॉल कीजिए, नंबर लिखा गया है, अगर नंबर मालूम नहीं है तो दूसरा नंबर अपना नंबर देते हैं।